राज्यसभा उपसभापति चुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार हरिवंश ने कांग्रेस प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को करारी मात दी है। विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या होने के बाद कांग्रेस का चुनाव हार जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है, जबकि एनडीए बहुमत से कम होने के बाद जीत हासिल करने में कामयाब रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गलती की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहली गलती राहुल गांधी की रही कि राज्यसभा उपसभापति के चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के चयन को लेकर कशमकश में उलझी रही, जबकि एनडीए ने चुनाव घोषणा के साथ अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से एनडीए सक्रिय रही, कांग्रेस में उस तरह सक्रियता नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और पीडीपी ने राज्यसभा सभापति के मतदान से अपने आप को बाहर रखा था। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।